नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि 11,880 पदों के लिए यहां पे कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, और अब यहां पर एक और आज अपडेट दिया गया है। शाम को ही 13 दिसंबर का ये अपडेट है, जो कि उन अभ्यर्थियों के लिए ये बुरी खबर है। किन अभ्यर्थियों के लिए? तो लगभग 25,000 अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। जी हां, 24,950 अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। कारण क्या दिया गया है ये तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इनका फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया गया है। आप भी देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो चलिए जानते हैं किन छात्रों का यहां पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और क्यों किया गया है। आप भी अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके भी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किए जा सकते हैं। तो लगभग 13,00,000 लोगों ने आवेदन किया था इस फॉर्म के लिए, और इनमें से 25,000 लोगों को साइट कर दिया गया है। तो लगभग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 13,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, फिर भी आपका कंपटीशन कम नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि अब ईजी हो जाएगा हमारा लेवल, क्योंकि इन लोगों ने कुछ गलतियाँ की जिसके चलते इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, और इनके जो पैसे थे वो भी शायद नॉन रिफंडेबल है, वो उनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी तक इसके लिए इस पर कुछ विचार नहीं किया गया है, ना ही इस पर कुछ बातें की गई हैं, ना ही इसका कोई एक अपडेट दिया गया है कि आखिर इन लोगों का जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो लोग क्या आगे फॉर्म भर पाएंगे, या उनके लिए कुछ लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। ये अभी कोई अपडेट फिलहाल नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको शेयर करके जरूर बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या है कि आपको हमारे चैनल पे जाना है, वहां पे इस सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। जी हाँ दोस्तों, लगातार ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन की 86 आप सभी को करंट अफेयर के सिनेरियो भी देने जा रहा है अब, तो हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। आपको अगर करंट अफेयर डेली के करंट अफेयर विथ अ डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो ठीक है, तो वो मिलेगा आपको। फिलहाल ये खबर निकली है बिहार से, और बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी थी 11,880 पदों के लिए। तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया, मतलब आवेदन किया था और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। जी हाँ, ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको नीचे जाना है और वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एजुकेशन की 86 सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके ठीक है। वहाँ पे हर वीडियो का पीडीएफ भी आपको अब शेयर किया जाएगा, जो कि करंट अफेयर से दिए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, पुलिस का सर्विस का हो, किसी भी सर्विस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। रोज पढ़िएगा करंट अफेयर तो रोज याद होगा। तो चलिए ये खबर से अवगत कराते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों कि 13 दिसंबर को ये एक अपडेट दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2019। ये एडवर्टाइजमेंट संख्या आप सभी को बताया था मैंने कि बिहार कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म को कैसे भरना है ये भी बताया था आपको। फॉर्म गलती भी करने का मैंने बोला था कि गलती से भी गलती मत कीजिएगा, वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए तो आपके पैसे भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे 25,000 लोगों की बात है। मैं आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड करके दिखला देता हूँ। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा कि ये आप डाउनलोड करना चाहते हैं, और ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि CSBC एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2019 बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये फॉर्म, ये किसका फॉर्म है तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा। लिस्ट इन वैलिड एप्लीकेशन विद द रीजन ऑफ रिजेक्शन, यहाँ पे आपको रीजन के साथ बताया गया कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया है ठीक है। लगभग यहां बोला जा रहा है कि दोस्तों रजिस्टर्ड बट एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड। तो लगभग ऐसे अभ्यर्थी जो हैं 23,761 हैं, लेकिन ये तो ऐसे लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो हुआ है लेकिन उनका क्या है, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कारण क्या है कि वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर ही नहीं पाए लास्ट डेट तक ठीक है। और दूसरे वो लोग हैं जैसे कि 23,761 तो यही लोग हो गए, लेकिन जो बाकी शेष हैं यानी कि 24,950 लोगों में बाकी जो शेष बचे हैं उनका फॉर्म कैसे रिजेक्ट हुआ, उनका कारण यहां पे दिया गया है, देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहां पे नाम कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, एक्चुअली यहां पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे इस खाने में दिया गया है, कैंडिडेट का नाम दिया गया है इस खाने में, और उनके यहां देखिए इन्होंने क्या गलती किया है, इन्होंने गलती किया है कि फादर नेम ही नहीं डाला है।
जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो अपना फादर नेम ही नहीं डाले हैं इतने लोगों ने, तो ये उनके रीज़न दिए गए हैं। ठीक, एक तो रीज़न ये नॉट फिल्ड, ठीक, और कैटेगरी देखिए, कैटेगरी जो है यहाँ पे इनकी ये है, और इसका जो मेल और फीमेल है इस खाने में बताया गया है। ठीक है, रीज़न एंड द रिमार्क, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फिल्ड, और नॉट फिल्ड में क्या नहीं भरा इन्होंने, तो अपने फादर का नाम ही छोड़ दिया इन लोगों ने भरना यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये करीब देखिए 685 पेज है यहाँ पे इस पूरे पीडीएफ का। ठीक है, इस 685 पेज में इन्होंने ये गलती की है, अपने फादर का नाम ही नहीं डाला इन लोगों ने। करीब ऐसे छात्र अगर हम देखें दोस्तों, नीचे आते हैं सीधे 685वीं पेज पे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 24,950, थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देना चाहते हैं। और आपको क्या करना, ये सीरियल नंबर है इनका, 24,950 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इनका नाम ये है, और इन्होंने अपने फादर्स का नाम ही नहीं डाला है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जिन लोगों ने अपने फादर्स का नाम डाला भी है, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो रीज़न दिया गया इनके लिए क्या दिया गया है, तो अनआइडेंटिफिकेबल सिग्नेचर, कुछ के सिग्नेचर ही मैच नहीं किए गए, मतलब कुछ भी साइन करके दे दिया गया या साइन करने वाली जगह पे छोड़ दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं आप, इसको सर्च कर लीजिएगा अपना, ये कम से कम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ से, ठीक है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, ये सर्च हो जाएगा आपका नाम, अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि सेम फोटोग्राफ अपलोड इन द मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये जो कारण दिया गया है, मतलब कि सेम फोटोग्राफ अपलोडेड ऑन द मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि कुछ लोग साइबर से जाके अपना फॉर्म भराए हैं, और साइबर वालों ने क्या किया होगा, अगर गलती हुई है यहाँ पे उनसे, तो जैसे कि आपका फोटो है वो किसी और के फॉर्म में भी डाल दिया है उन लोगों ने, तो ये गलती हुई है। या तो कुछ ऐसे स्टूडेंट के साथ हुआ है कि वो अपना फॉर्म भरे हैं और अपना जो फोटो दूसरे का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी अपना ही फोटो डाल दिए हैं, तो सेम फोटो अपलोडेड ऑन द मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी एक कारण है यहाँ पे रिजेक्शन का। ठीक, अब देखिए ये लोग क्या हैं, तो ये लोग हैं अनआइडेंटिफिकेबल फोटो, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने फ़ोटो नहीं डाले हैं, और कुछ ने डाले भी हैं तो उनका पिक्चर सही नहीं था, बैकग्राउंड सही नहीं था, जिसके चलते भी इनका फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों ये सारे कारण हुए हैं इनके फॉर्म के रिजेक्ट होने के। ठीक है, मैंने 2-3 कारण बता दिए हैं। अब आपका अगर रिजेक्शन है, इन मतलब कि इन सब में नाम है लगभग 25,000 छात्रों में, है ना, टोटल वैसे 24,950 है यहाँ पे जिनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, अगर आपका इसमें नाम है तो ये आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है अभ्यर्थी जितने गण हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इनके साथ, मतलब इनका फॉर्म का पैसा जा चुका है, तो शायद अगर यहाँ पे आपको एक और मौका मिले तो आप इस फॉर्म को सही से भर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया इसके साथ कि आपको फिर से मौका दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, जनवरी में इसका एग्ज़ाम है जैसा कि आप सभी को पता है, और जितने लोगों ने फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं, जितने लोगों के फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं, वो लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़ जाइएगा YT एजुकेशन पे भी। जी हाँ, आपको मैं दिखला देना चाहता हूँ, एक मिनट, यहाँ से आप आइएगा इस चैनल पे, आप सर्च कीजिएगा YT एजुकेशन और इस चैनल का लोगो देख लीजिए, है ना, यहाँ पे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते ही इस बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का यहाँ से भी नोटिफिकेशन आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचता रहे। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लगातार, आपको देखिएगा ये आपका प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसमें आप जाइएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने बिहार दरोगा के लिए भी बहुत सारे क्यूज़ दिए हैं, वैसे ही आपको बिहार सिपाही के लिए भी लगातार क्यूज़ दे रहा था, लेकिन उसको फिलहाल स्टॉप किया गया है क्योंकि अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, तो बहुत लोगों ने अभी तक जो है फॉर्म जो है मतलब यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहे थे, तो मैं इसकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा बहुत ही जल्द, है ना, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, और आपके एग्ज़ाम से पहले तक लगभग 10,000 प्रश्न आपको बिहार सिपाही के लिए भी दे दूंगा, ये आप चिंता मत करें। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल आपके लिए देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉडल टेस्ट पेपर मैंने यहाँ पे 13 दिए हैं, इसको पढ़िएगा। करेंट अफेयर 2018 के यहाँ पे दिए हैं आपको, 2017-18 का, है ना, इसको पढ़िए अभी फिलहाल आप लोग, बहुत सारी चीज़ें आपको दे चुके हैं, कम नहीं दिए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर का सिनारियो ये आपको सुबह में चलाया जा रहा है, बिहार दुर्गा स्पेशल है, तो यहाँ से भी करंट अफेयर आपको एग्जाम में बिहार पुलिस के लिए
पूछा जा सकता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर जाके हमें ज्वाइन करें, और इसका भी YT एजुकेशन का भी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ से PDF हम प्रोवाइड कर सकें अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारी न्यूज़ जो थी, जो कि एक बुरी खबर थी आज के लिए आपके लिए, तो ये अपडेट किया है और आप लोगों ने इससे अवगत हुए होंगे और अपने रोल नंबर भी चेक कर रहे होंगे। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर आपका रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, हमारे साथ आप बने रहे इसका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।